नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के तहत मतदान हो रहे हैं, तो वहीं पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे सभी प्रत्याशियों की नजर मतदान पर है। अब सभी प्रत्याशियों की निगाहें चुनावों के नतीजों पर है। इसी क्रम में प्राइम टीवी की टीम भी लगातार चुनावों पर नजर बनाए हुए है और गांव-गांव जाकर लगातार प्रत्याशियों से बातचीत की जा रही है। इसी क्रम में प्राइम टीवी की टीम बाराबंकी पहुंची, जहां जिला पंचायत सदस्य के पद के उम्मीदवार निंदुरा ब्लॉक के द्वितीय से राम मिलन रावत अपनी पत्नी निशा रावत को जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ा रहे हैं। वहीं इनको सामान्य सीट पर बीजेपी ने टिकट देकर भरोसा जताया है। वैसे तो राम मिलन की पत्नी पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रह चुकी है और उनके पति भी लगातार जनता की सेवा करते रहते हैं। इस दौरान राम मिलन रावत से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, तो चलिए आपको सुनाते हैं हम राम मिलन रावत से खास बातचीत। जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, निशा देवी निंदुरा द्वितीय से भाजपा के टिकट पे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। उनके हस्बैंड राम मिलन रावत हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो जनता का सेवा करने का जो जज्बा आया है, चुनावी मैदान में आ रहे हैं जनता की सेवा करने के लिए, क्या कुछ कहना है इनका। बहुत बहुत स्वागत है रामलाल जी प्राइम टीवी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने कीमती समय निकाल करके हमारे क्षेत्र में आए हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं राम मिलन रावत निंदुरा से भारतीय जनता पार्टी से अपनी पत्नी श्रीमती निशा देवी रावत को चुनाव लड़ा रहा हूं। चुनाव पार्टी लड़ा रही है, हम उनका सहयोग कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने समान सीट पे हम लोगों के ऊपर भरोसा जताया है, इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को और जिले नेतृत्व को प्रदेश नेतृत्व को इसके लिए बधाई देते हैं। उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो समान सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पत्नी निशा देवी को प्रत्याशी बनाया है। राम मिलन जी, क्या क्षेत्र में अगर जनता चुनती तो क्षेत्र में क्या बदलाव आएंगे? बहुत सारी चुनौतियां हैं, वो महिला हैं, भाजपा चुनाव लड़ रही हैं, काफी सारी चुनौतियां आएंगी, अन्य प्रत्याशी भी मैदान में हैं, कैसे देखते हैं आपको? देखिए, ये कोई हमारा नया चुनाव नहीं है। इसके पहले मैं 4 बार क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीत चुका, हमारी वाइफ भी 2 बार क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीत चुकी है। इसी ब्लॉक से जेस्ट ब्लॉक प्रमुख रही है। पिछला चुनाव हम जिला पंचायत का लड़े थे, जो बहुत कम वोटों से हार गए थे। अब की बार जनता ने मुझे और पार्टी ने मुझे मौका दिया है चुनाव लड़ने का, तो क्षेत्र में विकास की और प्रत्याशियों की तुलना में कुछ प्रत्याशी ऐसे थे जो पहले जिला पंचायत चुनाव लड़े थे हमारे मुकाबले, वो आज हमारे समर्थन में है, और कुछ ऐसे हैं जो जीते थे वो मैदानी छोड़ दिए, दूसरी सीट पे चले गए। कारण कि मैं 5 साल से सेवा कर रहा हूँ, कर तो 200 साल से रहा हूँ, लेकिन क्षेत्र में जब से मैं चुनाव हारा हूँ लगातार जनता के बीच में जा रहा हूँ, और कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता है कि राममिलन क्षेत्र छोड़ करके चले गए हैं। मैं हमेशा लोगों के बीच में रहता हूँ, चाहे लॉकडाउन में कोई समस्या हो, लॉकडाउन में भी हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लॉकडाउन में जो हमारे पास था, जिस हालत में मैं थे, प्रधानमंत्री जी के आदेशों का पालन किया, जेब से जितना भी हो सका। लॉकडाउन में जो आपने सेवा की, क्या चुनावी समीकरण था इस वजह से सेवा किया, मानवता थी? नहीं, मानवता थी, वो हमारा नर सेवा नारायण सेवा है। हम लोग 20 साल से ओम नमः शिवाय में लगे हैं, 20 साल से ओम नमः शिवाय के सेवादार हैं, 20 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये कोई चुनावी ये नहीं है, चुनाव खत्म हो जाएगा, पता चले कि फिर आज देश में जो संकट है वो हम सबकी चुनौती है, लेकिन जो हमारे पास है, जब तक हम खाएंगे तब तक हम ये सोचेंगे कि जितना हो सके हमारे अगल बगल का कोई भूखा ना रहने पाओ, ये मेरी सेवा। राम मिलन जी, जनता को सिर्फ विकास चाहिए होता है, कई सालों से बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो बिछड़े हुए हैं, जहां पर विकास कार्य नहीं हुए हैं, और क्या क्षेत्र में बदलाव, क्षेत्र की कितनी तस्वीर बदलेगी? देखिए, वैसे तो मैं 20 साल से राजनीति में हूँ, तो काफ़ी कुछ हमने विकास किया है। जो चीज़ें छूटी हैं, जैसे कहीं सड़कें छूट गई हैं, कहीं हैंडपंप लगना है, कहीं रोड बनना है, जो चीज़ें छूटी हैं जनता मुझे मौका देगी, मुझे पूरा विश्वास है। मैं जिला पंचायत का सदस्य हो जाऊंगी, मेरी पत्नी जिला पंचायत का सदस्य हो जाएगी, मैं जिले में बात उठाऊंगा, कोई रोड ऐसी नहीं बचेगी जो बनवाऊँ ना, पूरी ताकत लगाऊंगा रोड के लिए, पूरी ताकत बम्बा के लिए लगवाऊंगा, हैंडपाइप के लिए लगवाऊंगा, कोई भी चाहे थाने का काम हो, चाहे कचहरी का काम हो, चाहे कोई अस्पताल का काम हो, हम तो हर समय सेवा में लोगों की लगे रहते हैं। विकास की बात रही तो विकास की
मायने में हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक हैं, वो जब से यहाँ विधायक बने हैं तब से रोडों का तो जाल ही बिछा दिया है, चमाचम सारी सड़कें आपको दिख रही होंगी। आप क्षेत्र में आए हैं तो सब यही बोर्ड लगे होंगे कि सागेंद्र वर्मा की रोड बनवाई हुई है। जहाँ तक हमारी बात रहेगी, जो काम छूटे हैं वो काम हम करने का प्रयास करेंगे पूरी तौर पर, भारतीय जनता पार्टी की बातों का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और उनके उल्लेख का हमेशा जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। और यही हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि स्कूल बन जाए क्षेत्र में। अगर कहीं पर हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज की समस्या है तो ये भी बात हम उठाएंगे। जनता की सेवा में हमेशा समर्पित रहने का वचन लेता हूँ। प्राइम टीवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, प्राइम टीवी बहुत ही अच्छा है, हम लोगों के बीच में प्राइम टीवी आई है, हम इसको पहले तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि जो कम से कम जनता के बीच में आई है, जनता की समस्याएं सबको पूरे देश को सुनाएगी, तो इसके लिए वो बधाई की पात्र है। प्राइम टीवी के माध्यम से मैं जनता को ये सब आश्वासन देना चाहता हूँ कि कोई कसर बाकी नहीं रखूँगा, नर सेवा नारायण सेवा है, कोई हमारे क्षेत्र में भूखा रहेगा नहीं, कोई भूखा सोएगा नहीं, कोई भूखा रोएगा नहीं, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और बच्चों की पढ़ाई की लिखाई की बात रही तो बच्चों ये जो बच्चे गरीब हैं उनकी हमेशा मैं सेवा पहले से भी कर रहा हूँ, आगे भी सेवा करने का, अगर यह बहुत बड़ा मौका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें मिला है तो आगे भी सेवा करने का पूरी तरीके से प्रतिबद्ध रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित उम्मीदवार राममिलन रावत हमारे साथ मौजूद थी, जिनकी पत्नी निंदूरा ब्लॉक से चुनाव लड़ रही हैं। साफ तौर पर उनका कहना है, चाहे विकास की बात हो या शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो, हर अवसर पे मैं मौजूद रहूँगा। अगर जनता मुझे चुनती है, उस लायक समझती है, लेकिन अगर मैं उस पद पर काबिज नहीं होता हूँ, इसके बावजूद भी मैं जनता के बीच में बना रहूँगा, जैसे मैं तकरीबन 20 साल से बना हुआ हूँ। कैमरामैन अनुराग रस्तोगी के साथ रेहान वारसी, बाराबंकी। और खबरों के बीच फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।